सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक नया गेम प्ले। मैं नूसा मैप खेल रहा था फर्स्ट टाइम, लेकिन मुझे पता नहीं था यहाँ पे क्या होता है। फर्स्ट टाइम जब मैंने लैंड किया तो मेरे उतरने के साथ ही पेटी बन गई। फिर मेरा टीममेट बोला तो फिर से वापस आएगा। तो जैसे मैं वापस आया तो मैं यहाँ पर लैंड करता हूँ साइंस सेंटर में। उस साइंस सेंटर में मुझे उतरते ही बॉट मिलता है। बॉट को मैं नॉक करता हूँ और अंदर घुस जाता हूँ। और अंदर से मुझे फुटस्टेप आ रहे थे दो बंदों के, और तभी मुझे एक बंदा स्पॉट होता है सामने, और मैं यूएमपी से एक बंदे को नॉक कर देता हूँ। और तभी उसका टीममेट ढूंढ रहा था मेरे को कि मैंने कहाँ से उसको नॉक की है। जैसे ही वो इधर इस साइड फेस करता है और मैं उसको नॉक फिनिश कर देता हूँ। और मुझे मेरा टीममेट नॉक हो गया था और मैं उसको रिवाइव करने के लिए जा ही रहा था। मुझे नहीं पता था विंडो कहाँ है। मैं सामने भाग रहा था लेकिन मेरे को विंडो नहीं दिखी। फिर मेरा टीममेट बोलता है इस साइड से आ, मैं इस साइड पे हूँ। तभी मैं उसको रिवाइव करता हूँ और हम जोन के बाहर थे। तभी मैं जोन के अंदर आता हूँ, तभी एक और बंदा एंट्री करता है और उसको मैं नॉक फिनिश कर देता हूँ। और मेरे पास गन भी नहीं थी। मैं तभी पेटियों को लूटता हूँ कि मुझे कोई गन मिल जाए, लेकिन और इधर मिलती है मुझे बैरल मिल जाती है। और यहाँ पे बंदा स्पॉट होता है मेरे को। मैं जंप करके जा ही रहा था तभी बंदा स्पॉट होता है। और मेरे टीममेट इस साइड से ही आ रहा था। मैंने बोला उसको बंदा है उस साइड, लेकिन वो माना नहीं, वो आ गया रश के अंदर, वो नॉक हो गया। और मैंने एफपीपी करके बंदे को फिन नॉक कर दिया, लेकिन किसी ने उसके दूसरे टीममेट को फिनिश कर दिया और ये मेरा किल सिक्योर हो गया। और तभी मेरा टीममेट नॉक था और मैंने सोचा वो नीचे आएगा, लेकिन इरफान भाई ने उसको नॉक फिनिश कर दिया, पूरा फिनिश कर दिया। और इरफान भाई गाड़ी लेके भागे, लेकिन मैं पीछे उसके भागा। लेकिन मैंने स्प्रे भी दिया, लेकिन स्प्रे मेरा लगा नहीं। उनको एक दो बुलेट ही लगी लेकिन लगा नहीं। फिर मैंने ठान लिया कि इरफान भाई को मारना ही है, इसने मेरे टीममेट को फिनिश किया था। और नूसा मैप इतना छोटा है कि कहीं पे भी फायरिंग करो तो बंदे को पता चल जाता है हाँ इस साइड बंदे हैं। तब पेटियां लूटता हूँ कि मुझे कोई गन मिल जाए, लेकिन गन मिलती नहीं मेरे को। और मैं देखते देखते जा रहा था लेकिन कोई बंदा मेरे को स्पॉट नहीं हो रहा था। तभी मैं रिज के ऊपर चला जाता हूँ कि अच्छा व्यू मिलेगा, सभी बंदे होंगे जो मिल जाएंगे। तो मैं ऊपर जा ही रहा था तभी मुझे फायरिंग की साउंड आती है और मैं आगे बढ़ जाता हूँ पत्थर के पीछे, इस कवर लेता हूँ कि, और मेरा पिंग भी बड़ा हाई था। मैंने सोचा बंदे तो मिल नहीं रहे, तभी एनर्जी ड्रिंक पे लेता हूँ। एनर्जी ड्रिंक पी ही रहा था मैं कि मुझे फायरिंग की साउंड आती है पीछे से। और मैं जैसे ही पीछे स्पॉट करने जाता हूँ और मुझे फिर से साउंड आती है, और पीछे से जहाँ पे मैं पहले देख रहा था। और जब मैं आगे बढ़ा था मुझे फिर से साउंड आती है फायरिंग की, लेकिन यहाँ पे इरफान भाई हैं जो वो अब फायरिंग कर रहे थे और मैंने उनको नॉक फिनिश कर दिया पूरा। और मैं देख रहा था जिन्होंने जिसके ऊपर वो फायरिंग कर रहे थे, लेकिन मेरे को बंदा स्पॉट नहीं होता। मैं फिर से रिज के ऊपर चला जाता हूँ कि मुझे रिज से अच्छा व्यू मिलेगा। और जैसे ही मैं इस पत्थर के पीछे पहुँचता हूँ मुझे फुट स्टेप की साउंड आती है और मैं बंदे को फिनिश कर देता हूँ पूरा। और मैं बंदों को इधर बैठ के फिर से स्पॉट कर ही रहा था कि तब मैंने देखा कि जोन मेरी तरफ आ रहा है और मैं जोन के बाहर हूँ। तो मैं जोन के अंदर जा रहा था, मैं रिज से पत्थर के पीछे से देख रहा था कि कोई बंदा तो नहीं है सामने जो मेरे ऊपर फायरिंग कर दे, लेकिन मेरे को बंदा कोई स्पॉट हो नहीं रहा था। मैंने सोचा एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं तब तक जब तक जोन आ रहा है हमारे पीछे। और एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद मैं जोन के अंदर जाने लगा था। जोन बड़ी तेज़ी से मेरी तरफ आ रहा था और लास्ट जोन का हेल्थ बड़ी खाता है। तभी मैं जैसे ही जंप करता हूँ ना तो मेरे को यूएमपी का इतना गंदा स्प्रे आता है कि बंदा मेरे को फिनिश कर देता है।